है गाइस, वेलकम बैक टू गार्डनिंग माय पैशन। और आज नेहा आप सभी के लिए ये ब्यूटीफुल सा अपटेनिया यानी सन रोज लेकर के आई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर, और ये कितना खूबसूरत दिख भी रहा है। तो बहुत ही प्यारा सा ये सकुलेंट है, और इसे आप इस तरह के हैंगिंग बास्केट में आप सजा सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल कंटेनर्स में भी आप ग्रो कर सकते हैं, बट हैंगिंग बास्केट में ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। और मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में ही लगाया हुआ है। ये जो इसके जो ब्लूम्स हैं ये आपको मोर ऑर लेस हर जगह पे देखने को मिलेंगे। और कुछ इस तरह से देखें, यहाँ पे इसके जो सीड्स हैं वो भी बनते हैं, तो इनको सीड से हम बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। और बाकी की जो इसकी केयर टिप्स है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है अब, एंड लेस डिफ़िकल्टी के साथ आप इसे बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर दें, साथ ही चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें। तो चलिए बिना एक भी मिनट ज़ाया करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जानते हैं कि किस तरह से इस ब्यूटीफुल और एकदम प्रिटी से दिखने वाले सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाले एक्टिनिया की हम देखभाल कर सकते हैं। एप्टेनिया, जिसे कॉमनली हम बेबी सनरोज के नाम से जानते हैं, और देखिए इसके ये जो फ्लावर्स हैं ये कितने प्रिटी लगते हैं। और ये पूरा एकदम जब इसके फ्लावर्स खिलते हैं तो ये पूरा जो कंटेनर है या जो बास्केट है जिसमें आपने इसे ग्रो किया है वो पूरा फूलों से भर जाता है। अभी आपको इसमें कम फ्लावरिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्लावर्स इस तरह के सीड्स बनाने में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ एक फ्लावर्स हैं जिनकी ब्लूमिंग होनी अभी बाकी है। तो बहुत ही मिनिमल केयर वाला ये प्लांट है, और एक बार अगर आप इसे अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि सालों साल तक आपको इसे और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट कभी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इसकी प्रॉपर केयर की है। और ये बहुत ही ईजीली इस तरह की जो कटिंग्स हैं इससे बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाता है। वेरी ईजी टू मेंटेन प्लांट है, और बस ये दो इसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए, एंड में मैं आपसे इसकी जो डिफ़िकल्टीज है वो शेयर करूँगी। अगर मैं केयर की इसकी बात करती हूँ तो केयर करना इसका बहुत आसान है, और अगर आप भी लेज़ी गार्डनर्स में से एक हैं या फिर समय के अभाव के कारण आप अपने प्लांट्स की देखरेख नहीं कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपने इस प्लांट को, जो कि काइंड ऑफ सक्युलेंट है, इसे अगर आपने गार्डन में लगा के रखा है तो आपका गार्डन तो हरा भरा आपको दिखेगा ही, क्योंकि इसकी लीव्स देखिए, इसके लीव्स इतने प्रिटी हैं, और ये इसी तरह एवरग्रीन रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ विंटर के टाइम पे जब नवंबर दिसंबर आने लगता है तब ये डोरमेंसी में चला जाता है, और 2-3 महीने तक ये डोरमेंसी में रहता है। उसके बाद थ्रू आउट द स्प्रिंग, थ्रू आउट द ऑटम एंड थ्रू आउट द समर ये आपको इसी तरह की ग्रीनरी देता रहता है। मैंने इसे बहुत ही, देखिए छोटे से एक पॉट में मैंने लगाया हुआ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पॉट, लेकिन अगर आप प्लांट देखेंगे तो जस्ट सी इसकी जो ग्रोथ है ये विगरसली बढ़ गई है। इसमें जस्ट मैंने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा है, और वही 2-3 बातें आज मैं आपसे शेयर करूँगी। पहली बात तो करेंगे इसके सॉइल की। अगर आप इसे किसी कंटेनर में या मेरी तरह इस तरह हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर रहे हैं तो इसको एकदम सैंडी लोमी सॉइल चाहिए। वैसे ये किसी भी तरह के सॉइल में ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इसे नॉर्मल टू सैंडी या लोमी सॉइल में इसे आप ग्रो कर सकते हैं। बट येस, आई वुड रिकमेंड कि चूँकि ये काइंड ऑफ सकुलेंट है तो इसके लिए कैक्टी एंड सकुलेंट मिक्स जो आता है वैसे सॉइल का आप यूज़ कीजिए। सेकेंडली, अगर मैं बात करती हूँ इसकी वाटरिंग की, तो एकदम मिनिमल पानी मांगता है। समर के दिनों में भी इसे आपको तभी पानी देनी है जब आपको लगे कि इसकी ये जो मिट्टी है ना, ये फर्स्ट ऊपर की जो लेयर है वो अगर आपको एकदम ड्राई दिखे तभी आप इसे पानी दीजिए, अदरवाइज़ आपको इसे पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विंटर के टाइम पे, विंटर स्टार्ट होने के टाइम पे एंड ड्यूरिंग द विंटर पानी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, एंड वहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्टी कि इसमें रूट रॉटनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आपको इसको एकदम मिनिमल वाटर देना है। जब नवंबर आ जाए, नवंबर के जब ठंड स्टार्ट होने लगे आपके इलाके में, तब आप इसे जब 10-15 दिन में सिर्फ एक बार पानी दीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस प्लांट। एंड दिसंबर एंड जनवरी में तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, इवन इफ आपको लगे कि आपका प्लांट मर रहा है या मर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, उस टाइम पे ये डोरमेंसी में रहता है, तो बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी है। फरवरी में इसको आपको प्रून कर देना है, सो दैट बसंत के आते आते और गर्मी स्टार्ट होते होते इसी तरह की जो आपको ये जो लटकन्स नज़र आ रहे हैं ये आपको दिखने लगेंगे बाय द मिड ऑफ द समर और द मिड ऑफ द ईयर।
तो बहुत इजीली आप इसे कटिंग से, जैसा कि मैंने बताया, ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, ग्रो करने में भी कोई झंझट झमेला नहीं है। और जितना इसको आप यू नो काट काट के, इस तरह आप चाहें तो इससे ढेरों प्लांट्स भी बना सकते हैं। तो खैर, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मैं इसे अभी कटाई शटाई इसकी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बट यस, अगर करते भी हैं तो कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लांट और भी ज़्यादा बुशी बनेगा। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टेम्परेचर टू कम डाउन अ लिल बिट, सो दैट ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से थोड़ा और बढ़ जाए। वैसे भी प्लांट्स को, मतलब बड़े प्लांट्स को काटने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती ही है, आई एम श्योर, मुझे तो होती है, आपको भी पक्का होती होगी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, प्लांट्स की भलाई के लिए ही हम ये काम करते हैं। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं अबाउट इट्स फर्टिलाइज़र। जैसा कि मैंने कहा, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसे साल में दो बार फर्टिलाइज़ करें, एक अप्रैल के टाइम पे और एक जुलाई के टाइम पे, यानी मानसून के टाइम पे और गर्मी स्टार्ट होने के टाइम पे आप इसे फर्टिलाइज़र दे दें, दैट वुड बी मोर देन इनफ। वेल, मेरा थोड़ा तरीका डिफरेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं इसे ग्रैन्यूल्स या फिर सॉलिड फर्टिलाइजर से ज़्यादा मैं ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स देती हूँ, एंड लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही मुझे ये असर दिखा है कि बहुत ही कम टाइम में इसने, देखिए, इस तरह का एक सुंदर सा एक रूप ले लिया है एंड बहुत ही विगरसली ये बढ़ रहा है। तो वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स जो मैंने फील किया है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र देना ही पसंद करती हूँ। आप भी चाहें तो सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्यूबल दे सकते हैं, और साल में दो बार आप इसमें कंपोस्ट, यानी कोई भी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट मिला सकते हैं, दैट इज़ इनफ। एंड अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो फिर येस, एक और डिफ़िकल्टी इसमें आती है, दैट इज़ दे आर यू नो प्रोन टू डिजीजेज, इसमें पेस्ट्स लग जाते हैं, खास करके मिलीबग्स एंड स्पाइडर माइट्स जैसे पेस्ट। तो इसको महीने में एक बार आप इसमें ज़रूर से पेस्टिसाइड का आप स्प्रे कीजिए, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट आप इसको इस तरह के डिजीजेज से बचा सकें। अदरवाइज़ ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, मैं बोलूँगी सालों साल चलने वाला, आपकी गार्डन में ग्रीनरी बिखेरने वाला प्लांट है। और सनलाइट की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको अपने वेस्ट जोन के विंडो में लगा के रखा हुआ है, जहाँ पे इसको दिन की 2 से 3 घंटे की धूप मिलती है। आफ्टरनून शेड में भी देखिए कि कितना चमक रहा है, एंड सीड्स भी इसके बन रहे हैं, इसमें ब्लूमिंग्स भी चली रही है, और भी 3-4 कलियाँ मैं देख रही हूँ आई हुई हैं यहाँ पर। तो वो भी जब 2-3 दिन में खिल जाएंगी तो मेरा ये प्लांट जो है फूलों से पूरा एकदम भर जाएगा। इसमें फूल प्रायः लगते ही रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, तो ये अपने इसको कुछ करने की, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई वुड रेकमेंड यू ऑल कि अगर आपको भी इस तरह का लो मेंटेनेंस वाला अगर प्लांट चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत सकलेंट टाइप दिखता हो और जिसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती हो, तो इस प्लांट को आप बहुत ही आसानी से अपने घर में ला सकते हैं। और अगर कोई फ्रेंड्स फैमिली आपके हैं और उनके पास ये प्लांट है तो चुरा के ले आइए उनसे, काट करके लगा दीजिए, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट किया हो तो सब्सक्राइब करते हुए लौटिए। बट सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको बराबर से मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, या प्लान से रिलेटेड कोई सवाल हो, या कोई और प्लान से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।